अस्सलाम वालेकुम। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जनाब जो आपको बताने हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो AWS सर्टिफाइड होना चाहते हैं। इस वीडियो का पर्पस है आप लोगों को ये बताना कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर AWS सर्टिफिकेशन, अपने आप को किस तरीके से आपने तैयार करना है, एक किन किन रिसोर्सेज को आप लोगों ने स्टडी करना है, एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, पासिंग स्कोर क्या है, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है आपने, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्टिफाइड अगर आप होना चाहते हैं तो जनाब मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक बात याद रखिए, जब मैंने MCSE या एक्सचेंज सर्वर आप लोगों को करवाया था, आप लोगों को आइडिया होगा ही कि मैंने कहा था कि यार अगर आपने सर्टिफाइड होना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बने बनाए डम्स बंडल ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं, उनको रट्टा लगाना है। आप चाहे क्वेश्चन को भी याद ना करें, करेक्ट आंसर याद रखे पेपर में, जहाँ पे एग्जाम में नज़र आया उसको आपने टिक कर देना है, तो बड़े इजीली आप सर्टिफाइड हो जाते हैं। MCSE हो गया, एक्सचेंज सर्वर हो गया, आपका शेयर पॉइंट सर्वर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन लाइक CCNA, आपने रट्टा लगाया उसी में से, एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आप लोगों को आ गया, आप लोग पास हो गए। जबकि AWS थोड़ा सा डिफरेंट है, AWS की जो सर्टिफिकेशन है वो डम्स बेस नहीं है। पहली बात ये याद रखिए आप लोग कि आपने रटा लगाया क्वेश्चन को और सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चन आपने याद किए वही एग्ज़ाम में आ गए। उसकी पहली रीज़न ये है कि AWS का जो एग्ज़ाम है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, क्वेश्चन बहुत जल्दी AWS उसको चेंज कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो डम्स, AWS की बहुत सारी साइट्स हैं AWS की सर्टिफिकेशन के डम्स भी वो प्रोवाइड कर रही हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उन डम्स के अंदर से कुछ पोर्शन लाइक 30%, 40%, 20% उन डम्स में से कुछ क्वेश्चन AWS की सर्टिफिकेशन के अंदर आप लोगों को आ जाए। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि 100% डम्स अवेलेबल हैं, आपने तैयारी की और वहाँ पे आ गए, क्योंकि AWS में क्या फ्रीक्वेंटली चेंज आते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, AWS नए क्वेश्चन ऐड करता है, तो आपने डम्स के ऊपर रिलाई नहीं करना। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि डम्स बिल्कुल तैयार ना करें, ऐसी पॉसिबिलिटी है डम्स आपको AWS की सर्टिफिकेशन पास करने में लाजमी हेल्प आउट करेंगे, लेकिन आपने 100% उनके ऊपर नहीं रहना। मैंने बताया कि फिर वो 20-30% वैलिड हो सकते हैं, लेकिन वो 70% 80% उनके उनका वैलिड होना ये ज़रा ख़तरनाक काम है। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, आप लोगों का थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, जो रिसोर्सेज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो रिसोर्सेज आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह उसके बाद आप AWS की सर्टिफिकेशन अचीव कर लेंगे। हमने AWS की सोप की प्रेपरेशन करनी है। एक बात याद रखिए, सोल्यूशन आर्किटेक्ट का एग्जाम पास करना बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू सिसोप। सोल्यूशन आर्किटेक्ट में आपको सेल्फ स्टडी कम करनी पड़ती है, सिसोप में सेल्फ स्टडी आप लोग ज़्यादा करनी पड़ती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लोगों का ज़्यादा होना चाहिए और इन डेप्थ नॉलेज आप लोगों का ज़्यादा होना चाहिए। सोल्यूशन आर्किटेक्ट में नंबर ऑफ सर्विसेज ज़्यादा डिस्कस की गई है AWS ने, ठीक है, जबकि सिसोप्स के अंदर नंबर ऑफ सर्विसेज तो कम है लेकिन डेप्थ में ज़्यादा है। वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग से नॉलेज बेस्ड पूछे जाएंगे, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन, लेकिन नंबर ऑफ सर्विसेज ज़्यादा कवर की गई होंगी इसमें। सोल्यूशन आर्किटेक्ट में क्या होगा, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, डेप्थ में जाके क्वेश्चन होंगे और वो तब भी क्लियर होंगे अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं, आप लोगों ने थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसके ऊपर नहीं किया हुआ, तो डेफिनेटली आपके लिए एग्जाम को क्रैक करना कोई ईजी नहीं है इतना। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, अगर आप मेरे ख्याल से 3 से 4 माह कंटिन्यूस स्टडी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लैब्स करते हैं, तो डेफिनेटली AWS सोप्स का एग्ज़ाम भी आप क्रैक कर देंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, बहुत सारे सारे लोग क्लियर करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग रह भी जाते हैं, रह इसलिए जाते हैं कि वो डम्स की बेस पे सहारा लेके डम्स को आगे गए होते हैं, भाई इसी में से आएगा, जब इसमें से नहीं आता तो फारिग हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने आप को इस काबिल होना है कि अगर आपने जो डम्स परचेज किए हैं या जिसकी डम्स की बेस पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर उसमें से इन केस नहीं भी आता तो आपके पास नॉलेज हो, अपने नॉलेज की बेस पे क्या करो आप यार एनालाइज कर सको, यार इस ये क्वेश्चन आया इसकी स्टेटमेंट में से बेस्ट आंसर कौन सा है या करेक्ट आंसर कौन सा है, आप इस काबिल हो। अगर आपने आपको इस काबिल नहीं समझ सकते तो जनाब सब्र करें, थोड़ा सा स्टडी करें, सर्टिफाइड होने की इतनी जल्दी ना करें। तो एग्ज़ाम में देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम है ये 80 मिनट्स का होता है, ठीक है,
यानी कि 1 घंटा और 20 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन वो समटाइम 55 भी आ जाते हैं, समटाइम 60 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, टाइम मेरे लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी कम है, क्योंकि समटाइम होता है स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में, अपने माइंड में वो स्टोरी बिठाने में टाइम लग जाता है। तो इसका बेहतरीन तरीका कि आपकी प्रैक्टिस एग्जाम्स बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपने उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेनी है, ताकि आपको सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। बहरहाल पासिंग स्कोर पे आ जाते हैं, टाइम 80 मिनट्स का है, 50 to 60 क्वेश्चन इसमें आएंगे। पासिंग स्कोर जनाब, पहले AWS कहता था कि 70% वाला पास है, लेकिन अब AWS ने क्लियर कट कह दिया कि 70% वाला पास नहीं है। AWS ने अपना क्राइटेरिया ऑफ पासिंग डिफाइन ही नहीं किया, AWS बताता ही नहीं वो किस क्राइटेरिया की बेस पे आपकी मार्किंग कर रहा है क्वेश्चंस की, ठीक है। बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि मेरे 72% मार्क्स आए और वो फेल हैं। बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि सर मेरे 59%, 60%, 61% मार्क्स आए और मैं पास हूँ। डोंट नो उनका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, AWS उसको एक्सप्लोर नहीं करा अपनी साइट के ऊपर, AWS उसको डिफाइन नहीं करा कि यार किस बेस पे वो क्राइटेरिया है, क्वेश्चन की मार्किंग क्या है, किस बेस पे होगी। हाँ ये है कि हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो डिफरेंट होगी, कुछ क्वेश्चन की ये परसेंटेज ज़्यादा है, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन की परसेंटेज कम है। तो ये आप लोगों की लक है, आपका जो क्वेश्चन गलत होता है उसकी परसेंटेज कितनी ज़्यादा थी एग्जाम के अंदर। वैलिडिटी जो अब आप सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो आपको जो सर्टिफिकेशन मिलता है, सर्टिफाइड होते हो, सर्टिफिकेशन की जो वैलिडिटी है जनाब वो 2 ईयर्स है, 2 ईयर के बाद आपकी सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो जाएगी। और इसमें 1 साल के अंदर आप 3 अटैम्प्ट ले सकते हो, अगर 3 अटैम्प्ट के बाद भी आप फेल हो जाते हो तो जनाब फिर अगले साल आप लोगों को देना पड़ेगा एग्ज़ाम। तो बहुत सारे लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाते हैं, ना हो तो सेकेंड में पास हो ही जाते हैं। बहरहाल आपके पास चांस है, 3 अटैम्प्ट आप लोग 1 साल के अंदर कर सकते हो। अब आ रहे थे अपने मेन टारगेट की तरफ जनाब, आपने प्रेपरेशन किस तरह से करनी है। सबसे पहले जनाब एक बात याद रखिए, AWS की ऑफिशियल ट्रेनिंग उनकी साइट पे अवेलेबल है, आप लोगों ने वो देखनी है। बल्कि इससे पहले मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ, ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, AWS सिसोप्स सर्टिफिकेशन ब्लूप्रिंट, ठीक है। के हमारे AWS सिसोप्स के कोर्स के अंदर, सर्टिफिकेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया गया है, आई थिंक ये PDF पड़ी हुई है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने लाजमी ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन करनी है। तो ये नंबर ऑफ डोमेन्स है, 7 डोमेन्स है हमारे पास, जिसमें से एग्ज़ाम आएगा आप लोगों को, ठीक है। जिसमें मॉनिटरिंग एंड मेट्रिक्स आ रहता है, जिसमें क्लाउड वॉच वगैरह को डिस्कस किया गया है, फिर हाई अवेलेबिलिटी आ रहता है, फिर एनालिसिस आ रहता है आपके पास, फिर डिप्लॉयमेंट एंड प्रोविजनिंग आ रहता है, डाटा मैनेजमेंट आ रहता है, सिक्योरिटी आ रहता है, एंड नेटवर्किंग का सेक्शन आ रहता है। ये 7 डिफरेंट डोमेन्स हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे इन 7 डोमेन्स के अंदर से। नंबर ऑफ डोमेन्स कम है आपके पास, नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है, लेकिन हर टॉपिक क्या है डेप्थ में जाके है। और परसेंटेज उनकी क्या है, मॉनिटरिंग एंड मेट्रिक्स आपके पास 15% है, हाई अवेलेबिलिटी 15%, 50%, 50% सोन, इस तरह से आपके पास ये टोटल क्या बन जाती है, 100% बन जाता है आप लोगों को। नेटवर्किंग का सेक्शन 30% है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक नेटवर्किंग के क्वेश्चन जब मैंने एग्जाम क्लियर किया था तो 30% नहीं थे, मुझे तो 15% से भी ज़्यादा ही लग रहे थे, ठीक है। तो नेटवर्किंग का पोर्शन जो VPC का आपका लाजमी क्लियर होना चाहिए, VPC का अगर पोर्शन आप लोगों का वीक है तो मार खा देंगे AWS के एग्ज़ाम के अंदर। VPC का टॉपिक आपको ले बैठेगा अगर आप एग्ज़ाम के अंदर फेल होते हैं, अगर ये टॉपिक आप लोगों का वीक है। तो कोशिश करें नेटवर्किंग के पोर्शन को, VPC के पोर्शन को लाजमी आप लोगों ने कवर करना है। रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले तो जो हमने जो ट्रेनिंग की है जनाब, मैंने काफ़ी हद तक बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश किया है कि अपने ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से
कवर करें हम ट्रेनिंग सेशन को AWS को। अगर तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही ट्रेनिंग सेशन आप लोग लें, लेकिन अगर आपने मेरी प्रॉपर वीडियोस आप लोगों ने प्रॉपरली हैंड्स ऑन लैब्स के साथ अपने दिमाग में बिठा के की हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सिसोप्स को क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े इजीली आप सिसोप्स का एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे, जो मैं रिसोर्सेज आप लोगों को बताता हूँ अगर आप उनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया हो, उनकी लैब्स भी की हो। अगर आपने मेरी ट्रेनिंग वीडियोस प्रॉपरली देखी हैं तो फिर भी मैं ये कहता हूँ वो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी, लेकिन वो भी सफिशेंट नहीं है। आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, बुक रीडिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को, देन जाके आप लोग सर्टिफाइड होंगे। लेकिन हाँ, मेरे ट्रेनिंग वीडियोस की बेस पे आप लोगों को जब बुक रीडिंग करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी आसान लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो बेस थी वो कोर बन चुकी है। लेकिन छोटे छोटे पॉइंट बहुत ज़्यादा होंगे जो आपको डॉक्यूमेंट रीड करने से क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ट्रेनिंग सेशन आप लोगों के पास होना चाहिए AWS सॉप्स का। विदाउट ट्रेनिंग सेशन आप लोग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, सर्टिफाइड नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने FAQs या ट्रेनिंग की बात करें तो क्लाउड गुरु की भी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। ये इतनी डिटेल में नहीं है जितनी डिटेल में मैंने करवाया है, लेकिन ये क्लाउड गुरु की जो ट्रेनिंग्स है वो इस लिहाज से रेयान ट्रेनर है, इसने इस लिहाज से कवर किया है ट्यूटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से पॉइंट आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रियान ने एक क्लाउड गुरु ट्रेनिंग के अंदर कवर किए हैं, जो मेरे पास ये पढ़ी भी हुई है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए मुझे ईमेल करके वो ले सकता है, अदरवाइज आप इसको बाय कर सकते हैं। छोटे छोटे ट्यूटोरियल हैं, दो दो चार चार मिनट के, दस दस मिनट के, बारह बारह मिनट के छोटी छोटी वीडियोस हैं, लेकिन और हर वीडियो के साथ उसने क्विज़ भी यहाँ पे दी हुई हैं, तो ये भी आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी। एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी हद तक वो क्वेश्चन क्लाउड गुरु की ट्रेनिंग वीडियोस के अंदर भी कवर किए गए हैं, लेकिन ये क्लाउड गुरु की ट्रेनिंग वीडियोस आप लोगों को तब ही बेहतर समझ लगेगी अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, क्योंकि ये इस लिहाज से नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाया जाए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये ट्रेनिंग वीडियोज़ है। तो काफ़ी हद तक ये आपको हेल्प करेंगी। ये मेरे ख्याल से अगर ये सारी वीडियोज़ भी देखें तो मेरे ख्याल एक से दो या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर ये सारी वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं, और मैंने मेरे ख्याल जब एग्ज़ाम देना था मैंने ये एक दिन के अंदर ही तकरीबन सारी देख ली थी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो लाजमी आप लोगों ने क्या करना है, बेहतर यही है कि आप क्लाउड गुरु की ट्रेनिंग वीडियोस भी एक दफ़ा वॉच कर लें। आगे आ रहे थे, आपने FAQs और वाइट पेपर्स को भी रीड करना है। मैं ये नहीं कहता कि लाजमी आप लोगों ने रीड करना है, लेकिन ऑन सेफ साइड, ऑन सेफ साइड अगर एग्ज़ाम हट के आ रहता है, बड़ा डिफरेंट स्टाइल का आ रहता है, तो वाइट पेपर्स और FAQs आप लोग की लाजमी हेल्प करेंगे। सेफ साइड के लिए बेहतर है आप FAQs और वाइट पेपर्स को भी रीड करें। बी द ऑनर्स, अगर आप कहें कि मैंने रीड किए थे तो मैंने बिल्कुल भी वाइट पेपर तो FAQs को रीड नहीं किया, तो उसकी रीज़न ये है कि मेरा थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था AWS के ऊपर, मैं कॉन्फिडेंस था यार मैं क्लियर कर दूंगा एग्ज़ाम को, लेकिन मैंने FAQs और वाइट पेपर्स को प्रॉपर रीड नहीं किया। लेकिन मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक S3 हो गया, EC2 हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, IAM हो गया, इनके मैंने FAQs को लाजमी रीड किया था, या API गेटवे हो गया, स्टोरेज गेटवे सर्वर हो गया, यानी कि सब टॉपिक्स के मैंने FAQs और वाइट पेपर्स को रीड नहीं किया किया था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या जो टॉपिक मेरे वीक थे मुझे लगता था उसके मैंने FAQs को लाजमी रीड कर लिया था, क्योंकि सम टाइम होता है एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया होता है एग्जैक्ट वही क्वेश्चन FAQs के अंदर पड़ा होता है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता वो। तो आपने कोशिश करनी है FAQs और वाइट पेपर्स को भी रीड करें। वो FAQs और वाइट पेपर्स कैसे आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है, FAQs आप लोगों ने यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, लाइक मैंने EC2 के देखने हैं, ठीक है, EC2 विंडोज़ के FAQs मेरे यहाँ से मिल जाएंगे, तो इसके अंदर सारी डिटेल आ जाती है, अच्छे खासे लेंथी हैं, छोटे नहीं हैं, कुछ FAQs बहुत छोटे भी हैं लेकिन कुछ अच्छे खासे डिटेल में हैं, तो कोशिश करें FAQs भी आप लोग देखें, ठीक है, ये सब टॉपिक्स से यहाँ। अच्छा, आपने सारे FAQs नहीं कवर करने, आपने सिर्फ वो FAQs कवर करने हैं जो सिसोप्स के ब्लू प्रिंट के अंदर टॉपिक्स के ब्लू प्रिंट के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स जो सिसोप्स के कोर्स के अंदर शामिल हैं उनके सिर्फ आपने FAQs या वाइट पेपर्स यहाँ से रीड करने हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ वाइट पेपर्स, तो आप लोगों ने वाइट पेपर्स भी लाजमी रीड करने ऑन सेफ साइड, ठीक है,
ये हर टॉपिक के अगेंस्ट उसकी पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। रिस्क एंड कंप्लाइंस है, सर्विस बेस्ट प्रैक्टिसेस किया है, क्लाउड फ्रंट किया है, आपके पास इंक्रिप्शन डेटा है, ट्रस्ट है, तो डिफरेंट वाइट पेपर्स पड़े हुए हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है वाइट पेपर्स को भी लाजमी रीड करें, लेकिन ये वाइट पेपर्स और एफएक्यूज की समय तब भी लगती है जब आपने ट्रेनिंग वीडियोस प्रॉपरली कहीं से ली हो। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन जनाब ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको, देन आप पास होंगे। इसके अलावा AWS की ऑफिशियल बुक भी अवेलेबल है, ठीक है। बुक में मैं रहता हूँ, बेहतर ये है कि आप AWS की ऑफिशियल बुक को भी स्टडी कर लें। थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा इसमें कवर की गई हुई हैं, लैब्स की हद तक ये बुक इतनी अच्छी नहीं है। और इस बुक की भी मेरे ख्याल से समझ तब भी लगती है जब आप लोगों ने प्रॉपरली ट्रेनिंग सेशन लिया हो, लैब्स को हैंड्स ऑन किया हो, इस बुक की समझ तब लगती है। ये AWS की ऑफिशियल बुक है, असल में ऑफिशियल तो कह सकते हैं और कह भी नहीं सकते इसको, ये असल में AWS की ऑफिशियल बुक तो नहीं है, लेकिन AWS ने इस बुक को रिकमेंड किया है ऑफिशियली। ऑफिशियली AWS ने सर्टिफिकेशन को क्लियर करने के लिए इस बुक को रिकमेंड किया है। तो मैंने भी देखा रहा, तो इस बुक को प्रॉपरली स्टडी तो नहीं किया हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने इस बुक के कुछ चैप्टर्स को मैंने स्टडी किया हुआ है। आप इस बुक के अंदर आई थिंक 11 के 12 चैप्टर हैं, कि आई थिंक 10 चैप्टर हैं डेली के, आप आधा चैप्टर भी कर लें तो आप इजीली कर लेते हैं कवर। इसमें नंबर ऑफ स्टडी सर्विसेज को दिया हुआ है, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, किस सर्विस की क्या फंक्शनैलिटी है, कौन सी सर्विस कब काम आती है, और इसके अंदर प्रैक्टिस एग्जाम क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। हर चैप्टर के एंड पे नंबर ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आप लाजमी उन क्वेश्चन को भी सोल्व करें, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। जिस तरह ये क्वेश्चन आप लोग के पास आ गया, हर चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन इस बुक के एंड पे हर क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है। तो कोशिश करें ये इस बुक की भी आप लोग स्टडी करें, काफ़ी हद तक आप लोगों को हेल्प करेगी ये बुक। आगे आ रहा था जो चीज़ आप लोगों ने स्टडी करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्लॉग जिसको मैंने कम्प्लीटली फॉलो किया था, ठीक है। मैंने क्यों कम्प्लीटली किसको फॉलो किया था, एक तो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, ठीक है, दूसरा मैंने AWS की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को रीड किया हुआ था, तीसरा मैंने क्लाउड गुरु के ट्रेनिंग वीडियोस देखे थे, और मैंने इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्लॉग है ये ब्लॉग, हमारे पास आ जाता है जिंदर पटेल, ठीक है, आप लोगों के जनाब इंडियन भाई का ही ब्लॉग है, तो इनके ब्लॉग से, इनकी साइट से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन उनकी साइट के ऊपर भी पड़े हुए हैं, और एग्ज़ाम के अंदर FAQs और वाइट पेपर्स का जो निचोड़ है, वो निचोड़ निकाल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इन्होंने अपने ब्लॉग के अंदर डाल दिया है। तो डिफरेंट ट्रैक्स यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा इस ब्लॉग ने हेल्प की। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि इस AWS में अगर आपने मेरी ट्रेनिंग वीडियोस देख ली है, वीडियोस देखने के बाद तो आप लाजमी, अगर आपने सर्टिफाइड होना है, सबसे पहले इस साइट को फॉलो करें। आपने मेरी ट्रेनिंग वीडियोस देखी हैं, प्रॉपरली लैब की हैं, और इस साइट को फॉलो की है, तो इनशाला आप क्लियर कर जाएंगे एग्ज़ाम, ठीक है। आप FAQs को इतना ज़्यादा रीड ना करें, वाइट पेपर्स को रीड ना करें, लेकिन बेहतर है उनको भी स्टडी करें। ऐसा ना हो मैं कह दूँ कि स्टडी ना करें, एग्ज़ाम में जाएँ और फेल हो के आ जाए, कहो जी उमर अजीम साहब ने कहा था कि वाइट पेपर तो FAQs रीड नहीं करने, अगर मैंने किए होते मैं पास हो रहा था। भाई अगर आपको इतना डर है तो लाजमी आप लोग वो पास करें, लाजमी उनको स्टडी करें। तो इधर मेरे पास आ रहा था जनाब सिसोप सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट लर्निंग पाथ, ज़बरदस्त। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, ये आ गया ब्लू प्रिंट, ठीक है, ये वाइट पेपर्स हमारे पास आ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट वाइट पेपर्स जो हैं, उन वाइट पेपर्स के अंदर से इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो इनके अंदर सारे के सारे डिस्कस किए गए हैं। फिर ये मेरे पास डोमेन्स आ जाती है वन बाई वन, सारी की सारी डोमेन है, मोनिटरिंग एंड मेट्रिक्स एक डोमेन, उसके अंदर क्लाउड वॉच है, कंसोलिडेटिंग बिलिंग है, इसको डिस्कस किया गया है। फिर हाई अवेलेबिलिटी है, इसमें इलास्टिक लोड बैलेंसर आ जाता है, ऑटो स्केलिंग आ जाती है, फॉल्ट टॉलरेंस आ जाती है, रीड रेप्लिका आ जाता है, RDS आ जाता है, इसको डिस्कस किया गया है। फिर एनालिसिस है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट है, प्रोविजनिंग है, डाटा मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग है। जिस तरह ये नेटवर्किंग है, मैं इस टॉपिक में रहता हूँ VPC, तो इन्होंने हर डोमेन के अंदर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली हर टॉपिक को डिस्कस किया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या जो आते हैं उस लिहाज से डिस्कस किया गया है, कोई एडिशनल डिटेल आप लोगों के पास नहीं है।
तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी साइट है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आप लोगों ने VPC के बारे में डिटेल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर IP एड्रेसेस, फिर इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी, लेकिन आप लोगों ने लाजमी इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है, ताकि जो ट्रेनिंग वीडियोस में मैंने बातें बताई हैं वो आप लोगों के माइंड में दोबारा से बैठ जाएं, और जो बातें वहाँ पे मुझे बताने में मिस हो गई हैं तो डेफिनेटली छोटे छोटे पॉइंट है वो आप लोगों के यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब हर टॉपिक के एंड पे, ठीक है, हर टॉपिक के एंड पे क्वेश्चन या क्वेश्चन के गेस उसका करेक्ट आंसर भी है। मेरे नॉलेज के मुताबिक इस ब्लॉग के ऊपर जितने क्वेश्चन उनके आंसर पड़े हुए हैं वो मेरे ख्याल के मुताबिक 99.99% वो करेक्ट आंसर हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पे गलत हो सकते हैं, लेकिन वो गलत इस वजह से हो सकते हैं कि वो क्वेश्चन आउटडेटेड हो गया है, AWS ने कोई नई सर्विस रिलीज कर दी है, कोई वो क्वेश्चन अब फर्दर वैलिड नहीं है, तो उसका आंसर डेफिनेटली गलत होगा। तो आप फर्दर इस ब्लॉग साइट के नीचे कमेंट्स भी है, लोगों ने उसकी करेक्शन की हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन लाजमी आप लोगों ने स्टडी कर लेने, अगर आप ये क्वेश्चन हर टॉपिक एंड पे जो क्वेश्चन है अगर आप ये स्टडी कर लेंगे तो मेरा ख्याल है पॉसिबिलिटी है आपके 50-60% क्वेश्चन जो AWS के एग्जाम में आएंगे वो इसी लिस्ट के अंदर आए थे जो इस साइट के अंदर दिए हुए हैं। बाकी जो फर्दर नए क्वेश्चन ऐड होंगे वो आप अपने नॉलेज की बेस पे क्लियर कर जाओगे। तो इस ब्लॉग को, इस साइट को मैं बड़ा स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरी वीडियोज़ देखने के बाद आप लोग क्या करें, इस साइट के ऊपर आके प्रॉपरली हर टॉपिक को रीड करें, इसके एंड पे जो क्वेश्चन है उनको लाजमी सोल्व करें, और उन क्वेश्चन को रिमाइंड करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम क्लियर करने में। आगे आ जाता है यूडेमी या विज लैब्स, प्रैक्टिस एग्जाम अवेलेबल हैं, AWS की ऑफिशियल प्रैक्टिस एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन वो आई थिंक 20 के 30 क्वेश्चन हैं AWS के प्रैक्टिस एग्जाम, आप लोग वो बाय कर सकते हो, AWS की ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है $20 में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा सम टाइम होता है कि उसमें से 20 क्वेश्चन, अगर कोई 4, 5, 6 क्वेश्चन उस प्रैक्टिस AWS के ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर से एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मेरे कुलीग ने सोल्यूशन आर्किटेक्ट का दिया उसमें नहीं आए, सी सॉफ्ट के बारे में मैंने सुना एक बंदे से कि तकरीबन उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन AWS के ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन थे, उसमें से एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी वो क्वेश्चन आ गए, लेकिन जो AWS के ऑफिशियल प्रैक्टिस एग्जाम क्वेश्चन हैं $20 में अवेलेबल हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उनको बाय करें, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो बहुत सारी साइट्स पे अवेलेबल है, ये जो मैंने ब्लॉग आप लोगों को अभी साइट अभी बताई है। आई होप के वो जो ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो आप लोग के इस साइट के अंदर कवर हो जाएंगे, तो आप लोगों को $20 अपने वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी आ जाते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा डम साइट पे जाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि काफ़ी हद तक जो एग्ज़ाम है उसमें एग्ज़ाम में जो एक्चुअल क्वेश्चन आए वो डम्स वाले ही हों, तो मैं रिकमेंड करूँगा फ़िलहाल जो मेरे मुताबिक वैलिड जा रहे हैं वो विज लैब या यूडेमी के जा रहे हैं, ठीक है। विज लैब या यूडेमी के आप बाई कर सकते हैं, आई थिंक $10 के $20 में वो अवेलेबल हैं, मेरे पास ये पड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी मेरे मुताबिक, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये भी तकरीबन 50-60% वैलिड हैं, इनके अंदर भी एग्जाम, इनके अंदर ये क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ये मेरे मैंने खुद से इनको सोल्व किया हुआ है, ठीक है, सोल्व किए हुए मेरे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है यूडेमी के, आप बाय भी कर सकते हैं। अगर जिसने AWS की वीडियोज़ हमसे बाय की हैं टेक्लिक्स पे ईमेल करके वो फ्री में इनको गेट भी कर सकता है यूडेमी के वाइट पेपर्स, और आई थिंक मेरे पास विज लैब्स के भी पढ़े हुए हैं, विज लैब्स और यूडेमी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट आई थिंक तकरीबन 90% सेम ही हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने इनको जब सोल्व किया है अपने नॉलेज के मुताबिक मैंने करेक्ट आंसर लगाया हुआ है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी साइट्स के ऊपर क्वेश्चन अवेलेबल हैं AWS सॉप्स के, लेकिन ज़्यादातर के आंसर जो हैं वो गलत मार्क किए हैं, इनकोरेक्ट हैं। तो आप लोगों ने जब कोई क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आप समझे यार ये क्वेश्चन आंसर ठीक क्यों है, ठीक है भी है कि नहीं है, आपके कंसेप्ट के मुताबिक क्या वो ठीक है। इंटरनेट पर उसको सर्च करें, डिफरेंट लोगों के कमेंट्स रीड करें, देन आप लोगों ने डिसीजन लेना है जो क्वेश्चन का मैं आंसर याद करने लगूँ इसका आंसर ये है वो ठीक है, क्या वाकई ही ठीक है, गलत तो नहीं है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा मेरी ट्रेनिंग वीडियोज़ आप लोगों ने प्रॉपरली देखनी है। आप लोग यूडेमी या विज लैब्स के क्या करें, डम्स ले लें,
तीसरी चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, इस ब्लॉक को लाजमी आप लोगों ने स्टडी कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये तीन चीज़ें आपके पास, डम्स का सहारा भी आ गया विजलैब या यूडेमी के, आप लोगों के पास मेरी ट्रेनिंग वीडियोस भी आ गई, आप लोगों के पास ये साइट भी आ गई। तो इंशाल्लाह ये तीन ही सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, आप लोग ये करते हैं तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल आप लोग फेल होते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी हार्डवर्किंग करनी पड़ेगी, स्टडी आप लोगों को करनी पड़ेगी। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आप लोग फ्री टीयर के ऊपर लाजमी साइन अप करें जाके। एग्जाम के अंदर नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप लोगों ने एग्जाम की टिप्स याद रख लें। समटाइम होता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उसकी स्टेटमेंट में नोट होता है, तो आप लोग नोट को रीड नहीं करते, नोट को निकाल देते हैं, तो फिर आपके मुताबिक जो नीचे आंसर बन रहा होता है वो कोई और होता है। बाद में पता लगता है आंसर गलत हो गया, आप ऊपर एग्जाम की स्टेटमेंट रीड करेंगे उसमें नोट होगा, वो नेगेटिव क्वेश्चन होगा। मतलब आप लोग को वो कहता है कि नीचे दी गई एग्जाम की स्टेटमेंट में है कि नीचे दी गई ऑप्शंस में से जनाब कौन सी ऑप्शन ठीक नहीं है, लाइक ईबीएस के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आ गया, आप तो आपने नोट पढ़ा ही नहीं, आपने देखा उसने कहा है कि कौन सी ऑप्शन ईबीएस के रेलिवेंट ठीक है, आपने फ़ौरन से देखा एक स्टेटमेंट को आंसर लगा दिया, जबकि उसमें था तीन तीन स्टेटमेंट ठीक थी, एक नोट पे एग्री करती है, तो आपने नोट नोट क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं, तो आपने आंसर भी गलत लगा दिया। तो एग्जाम को आपने कहते नहीं आंखें फाड़ फाड़ के स्टेटमेंट को रीड करने, आंखें फाड़ फाड़ के रीड करेंगे तो जनाब आप लोगों को नोट नजर आएगा। ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका है, आंसर गलत लगा दिया, पता लगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नोट लिखा हुआ था। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस तब भी होगी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस एग्जाम्स दिए हुए हैं, लाइक यूडेमी की हैं, विज लैब्स के ऊपर जाके, ठीक है, या जो मैंने ब्लॉग अभी आप लोगों को बताया है जींदर पटेल कला। नेगेटिव क्वेश्चन आप लोगों को लाजमी रीड करना है। दूसरा, एग्जाम के अंदर जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो सोल्व, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों को आता हो ना, फौरन उसका आंसर देना है और आगे चले जाना है। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता, उसकी स्टेटमेंट समझ नहीं लग रही, उस पर टाइम लग रहा है, तो जनाब आपने उसको फ्लैग कर देना है, फ्लैग या मार्क कर देना है और आगे चले जाना है। एग्जाम के एंड पे अब सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दो, अब जिन क्वेश्चन पे आपको डाउट है अब आप उनको रिव्यू कर लो। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, अदरवाइज आप एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने में आपने को टाइम लग रहा है, तो आप अच्छा सा टाइम वहाँ पे वेस्ट कर दोगे। टाइम आप लोगों के पास कम है, 80 मिनट्स है, क्वेश्चन आप लोगों के पास 52, 55 to 60 आएगा, तो आप लोगों ने अपना टाइम बचाना है। जिस आंसर क्वेश्चन का आप लोगों को नहीं पता उसको स्किप करके आगे चले जाओ, तो बाद में आके जो क्वेश्चन आप लोगों को जिस पे डाउट हो रहा है और आपके पास टाइम बच गया, देन आप उसको प्रॉपरली स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करो और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर को मार्क करो। और लाजमी आप लोगों को अगर पता हो जो क्वेश्चन मेरा 100% ठीक है, उसको भी आंखें फाड़ फाड़ के आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने गलत आंसर तो नहीं कर दिया, ठीक है। समटाइम टाइम होता है बंदा स्ट्रेस में होता है, तो क्वेश्चन उसको पता भी होता है, वो स्टेटमेंट को रीड कर रहा है, स्टेटमेंट को गलत रीड कर रहा है, आंसर को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, जब उसको रिव्यू करता है दोबारा से देखता है तो उसको पता लगता है यार मैंने तो गलत मार्क कर दिया है। तो अगर आपने लोगों ने एग्जाम कर लिया, लाइक 15 मिनट पहले कर लिया एग्जाम, तो आप लोगों ने एग्जाम को एंड टेस्ट नहीं करना, वहाँ पे एंड एग्जाम नहीं करना, आप लोगों ने जो टाइम बचा बचा हुआ है लाजमी उसमें जनाब आपने क्वेश्चन को रिव्यू एक दफ़ा लाजमी कर लेना है। आई होप कि उसमें से आपके कोई एक दो तीन क्वेश्चन लाजमी आप लोग को करेक्ट करने का मौका मिल देगा। हालांकि आप लोग को पता हो गया इसका करेक्ट आंसर ये है, फिर भी आप लोगों ने उसको गलत मार्क कर दिया होगा किसी रीज़न की वजह से प्रेशर में आके। प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों ने लाजमी लैब करनी है, लैब्स लाजमी करनी है, जितने प्रैक्टिस टेस्ट यूडेमी के हैं, विस लैब्स के हैं, कोशिश करें या इस साइट को पर अवेलेबल लाजमी इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, इनको रिमाइंड कर लें। ये क्वेश्चन आप लोगों को हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। समटाइम होता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आ जाता है, समटाइम होता है ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आ जाता है, समटाइम होता है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन उसकी लॉजिक वही होती है। तो आप लोगों ने ये प्रैक्टिस एग्जाम्स देने हैं तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ के इसका आंसर देखना है, इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट ये जो आंसर है, जो आंसर गलत है ये गलत क्यों है, ये आंसर ठीक है तो ये ठीक क्यों है। जब आपको ये पता लग जाएगा ये आंसर गलत क्यों है, ये आंसर ठीक क्यों है इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट, देन आपको एग्जाम की स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने में एक्चुअल एग्जाम में काफ़ी हद तक आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों ने इनको समझ के याद करना है, ठीक है, तो रट्टा नहीं लगाना आपने इन क्वेश्चन को, आप लोगों ने स्टेटमेंट समझ के करनी है। स्टेटमेंट समझ के करेंगे तो डेफिनेटली एक्चुअल एग्जाम के अंदर आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, एक्चुअल स्टेटमेंट को समझने में, उसको टाइमली फैशन के अंदर उसको प्रॉपरली आप लोग उसको मार्क कर सकें आंसर को। प्रैक्टिस 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 आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं समराइज़ करूँ, आप लोगों ने एग्जाम को सर्टिफाइड किस तरह से होना है, मेरी ट्रेनिंग वीडियोज़ हो गई। दूसरी चीज़ आप लोगों ने बेहतर है क्लाउड गुरु को लाजमी देखिए,
आप लोगों ने यूडेमी या विज लैब्स की मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है, फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि आगे आने वाले 1-2-3-4 सालों के अंदर भी यही वैलिड होंगे, फिलहाल यूडेमी या विज लैब्स काफ़ी हद तक वैलिड जा रहे हैं। तीसरी चीज़, आप लोगों ने जिंदर पटेल की साइट के ऊपर जाके प्रॉपरली आर्टिकल्स को रीड कर लेना है और थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लोगों का हो, आंखें फार फार के आप लोगों ने स्टेटमेंट को रीड करने एक्चुअल टेस्ट के अंदर। और जब एग्ज़ाम के लिए जाएं आप लोग कोशिश करें रात को आराम से सो जाएं, 6-7 घंटे की अपनी नींद पूरी करें। एग्ज़ाम में जब जाएं आप आधा घंटा पहले पहुँचें, वहाँ पे जाके आपकी अच्छी अच्छी चेकिंग लेते हैं, ठीक है, पॉकेट के अंदर आपने कुछ डाला तो नहीं हुआ, वहाँ पे हमारे पास छोटी मोटी सम टाइम होता है सबनेट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है नेटवर्किंग में, तो हमारे पास वहाँ पे पेपर अवेलेबल होगा, ठीक है, पेन आपके पास अवेलेबल होगा, आप रेफर वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आपने एग्ज़ाम के अंदर जाना है, ज़रा सा प्रेशर लेके एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे तो आप क्लियर नहीं कर सकते, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको क्लियर करना। फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं, मैंने भी किया, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग भी क्लियर कर जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने वीडियोस को लाजमी रीड करना है, यूडेमी के प्रैक्टिस एग्जाम को लाजमी फॉलो करना है और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर है वो आंसर करेक्ट क्यों है, रॉन्ग आंसर रॉन्ग क्यों है, आप लोगों ने लाजमी ये देख लेना है। समटाइम होता है जो क्वेश्चन आता है उसकी लॉजिक तो सेम होती है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से आ जाता है, तो जब आप लोग इन प्रैक्टिस एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे इससे आप लोगों को ये हेल्प मिलेगी, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी आ जाता है ना लेकिन उसके पीछे लॉजिक यही होगी, लॉजिक सेम होगी, जब लॉजिक आप लोगों को पता हो तो आप लोग अच्छे तरीके से मार्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ से वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी, मैंने बातों को बार बार रिपीट किया, रिपीट करने का पर्पज़ ये है ताकि आप लोगों के माइंड में घुस जाएँ चीज़ें सारी की सारी। अब बारे आगे आते हैं एग्जाम को, आप लोगों ने रजिस्टर किस तरह से करना है, रजिस्टर करने के लिए AWS की ऑफिशियल साइट पर जाओगे, AWS सर्टिफिकेशन, ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं, तो PSI, ठीक है, इसका टेस्ट कंडक्ट करता है, मैं गूगल पे जाके सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे AWS सर्टिफिकेशन लॉगिन, और हाँ इसकी फ़ीस इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी जो फ़ीस है जनाब वो $150 है, US डॉलर, ठीक है, $150 पाकिस्तान के मुताबिक हमारी ये तकरीबन डॉलर भी आजकल ज़्यादा हुआ है, तकरीबन ये 18,000-18,500 आप लोगों का बन जाता है, ठीक है, $150 है। और रीस्केड्यूल भी आप एग्ज़ाम को करवा सकते हो, आपने एग्ज़ाम रीस्केड्यूल करवाना है, ठीक है, कोई मसला आ गया, आपने एग्ज़ाम को स्केड्यूल कर लिया हुआ था, आप रीस्केड्यूल करवाना है तो आप बिल्कुल रीस्केड्यूल करवा सकते हो, लेकिन आई थिंक उसके लिए एडिशनल $60 आप लोगों को पे करना पड़ेंगे एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल करवाने के लिए। और आई थिंक इसमें ये भी लिमिटेशन है, 24 घंटे पहले आप रीस्केड्यूल उसको नहीं करवा सकते, 24 घंटे से पहले आप लोग उसको रीस्केड्यूल करवाना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के पास आ रहा था AWS.training/account/login-option, ठीक है, यहाँ पर जाके आप लॉगिन कर सकते हो और एग्ज़ाम को रजिस्टर कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे साइन इन पे जाता हूँ, साइन इन करें, आपने आपका अगर अकाउंट नहीं बना हुआ आपने सबसे पहले इसको पर जाके साइन अप कर लेना है। यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना है, अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है आप लोगों को साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपने फ्री टियर पे साइन इन किया हुआ है तो फ्री टियर वाला जो AWS का अकाउंट है आपका, ठीक है, वो भी यहाँ पे वर्क कर जाएगा आपका, अदरवाइज आप सेपरेट अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। साइन इन कर लिया मैंने, यहाँ पे साइन इन करने के बाद यहाँ पे आ रहा है एक्सेस सर्टिफिकेशन, यहाँ पे चले जाना है आपने, AWS सर्टिफिकेशन अकाउंट यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है मैनेज PSI एग्ज़ाम पे चले जाना है आप लोगों ने। यहाँ पे आप लोगों के पास एग्ज़ाम आ गए तो आंखें खोल के आप लोगों ने रजिस्टर करना है, कोई गलत एग्ज़ाम रजिस्टर नहीं कर देना। यहाँ पे AWS सर्टिफाइड बिग डेटा आ गया, एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी आ गया, ये DevOps का आ गया, ये DevOps इंजीनियर प्रोफेशनल का आ गया, ठीक है, ये ऊपर आप लोगों के पास आ रहे हैं एग्जाम आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस एग्जाम जो मैं AWS के ऑफिशियल आप लोगों को बता रहा था ऑनलाइन प्रैक्टिस एग्जाम, ये प्रैक्टिस एग्जाम आप लोग यहाँ से अगर बाय करना चाहते हो वो यहाँ से बाय कर लो, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, जो मैंने यूडेमी या विजलैब्स आप लोगों को बताया है, जिंदर पटेल वाला जो अभी साइट बताई है, तो आई होप कि ये जितने क्वेश्चन इसके अंदर है वो आप लोगों के कवर कर देगा। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोगों के पास आ गए, दूसरा आप लोगों ने स्टडी अगर करना है रजिस्टर तो ये आ रहा है आप लोगों के पास AWS सर्टिफाइड सिसोप्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, यहाँ से आप स्केड्यूल कर सकते हो एग्ज़ाम को। कंटिन्यू करोगे आप,
लैंग्वेज आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, ठीक है, किस लैंग्वेज में आप लोगों ने देना है, जापानीज़ इंग्लिश है। कंट्री सेलेक्ट कर ली है, यहाँ से आप लोगों ने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे प्रेफर्ड मंथ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से सर्च एग्जाम सेंटर। तो आपकी कंट्री के अंदर, आपकी लोकेशन के अंदर जो नियर टेस्टिंग सेंटर होगा PSI का, वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मेरी लोकेशन लाहौर सेट है, यहाँ पे मेरे पास आ गया डेविस रोड आ गया, ठीक है। प्रोमेटिक सेंटर गुलबर्ग में FC कॉलेज के अंदर भी है लाहौर में। तो आपके आपके पास यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर आ जाएंगे आप लोगों को जो करीब पर, तो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। जो टेस्ट इसका होता है वो यूजली होता है मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है, लेकिन समटाइम होता है फ्राइडे को भी ले रहे हैं, वेनेसडे को भी ले रहे हैं। तो आप लोगों ने देख लेना है ये सीट कब अवेलेबल है एग्ज़ाम रजिस्टर्ड करने के लिए। समटाइम होता है पूरे 3-4 माह मंडे ट्यूसडे ही एग्ज़ाम रजिस्टर्ड होता है, थर्सडे फ्राइडे आती ही नहीं कोई सीट, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लेना स्केड्यूल, जब आपने करना उसे 1-2 हफ्ते पहले आप लोगों ने देख लेना है। आपने जब स्केड्यूल करना है, जिस डेट को स्केड्यूल करना चाह रहे हैं, क्या वो डेट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद टाइमिंग आपने सेलेक्ट कर लेनी है, यूजली सुबह के टाइम ही सुबह के टाइम की सीट अवेलेबल होती है AWS के सेशन के लिए, लेकिन आपके ये वेरी कर सकती है रीजन टू रीजन, आपके कंट्री टू कंट्री, टेस्टिंग सेंटर टू टेस्टिंग सेंटर। तो आप लोग यहाँ से एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद, टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद इसको प्रोसीड करेंगे। आगे आपसे पेमेंट की इंफॉर्मेशन लेगा, $150 आ जाएगा। $150 आप लोगों को पे करना पड़ेंगे थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। कार्ड के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगी। कन्फर्मेशन ईमेल जो आप लोगों को आ जाएगी, वहाँ पे कन्फर्मेशन नंबर होगा। बेहतर ये है उस कन्फर्मेशन नंबर को आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के टेस्टिंग सेंटर जाएं, ठीक है। टेस्ट सेंटर पहुँचेंगे, आधा घंटा आप लोगों ने पहले जाना है, वहाँ पे रिसिप्ट दिखाएंगे, एग्ज़ाम कन्फर्म करेंगे, आप लोगों को एग्ज़ाम में बिठा देंगे। और वहाँ पे फिर घर वालों को कह के जाना है मेरे लिए दुआ करो मैं पास हो जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं हुआ। पहले आप लोगों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए थी। बहरहाल सेल्फ स्टडी करें आप, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस रखें। बहुत सारे लोग क्लियर कर रहे हैं और बेहतर यही है कि सर्टिफाइड आप लोग टाइम से हो जाएं। मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है AWS का, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये एज देगा इंडस्ट्री में जाके। दुआओं में याद रखिए, किसी को कोई इशू हो, जिन्होंने ट्रेनिंग वीडियोस हमसे बाय की हुई हैं वो ईमेल कर सकते हैं info@techlinks.com पे। एडमन आप लोगों को क्या करेगा जनाब, क्लाउड गुरु की जो वीडियोस हैं या जो यूडेमी या वीज लैब्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे फ्री में, अगर आप लोगों ने मेरी ट्रेनिंग वीडियोस को बाय किया हुआ है। दूसरी बात याद रखिए, फ़िलहाल मेरे मुताबिक ये वैलिड आ रहे हैं 50-60%, लेकिन अगर आप 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद जाके इन प्रैक्टिस एग्जाम की बेस पे आप कहते हो इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आया, तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली क्या हो रहे हैं AWS क्वेश्चंस को चेंज भी कर देता है। लेकिन दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह आप मेरी वीडियोस को फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूडेमी के प्रैक्टिस एग्जाम्स को, जेंडर पटेल की साइट को स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।